हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अट्रैक्टिव टेम्पलेट बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि जब आप अट्रैक्टिव टेम्पलेट की बात करते हो तो उसका लुक कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जाएगा। इस वीडियो में देखेंगे कि हम एक बेसिक टेम्पलेट जो बहुत डिज़ाइन और लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा, वो कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि वो हमने बना रखा है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल दिखलाएंगे करके कि वो कैसे बनाया जाता है। तो आप देखोगे, ये है, हमने एक अट्रैक्टिव टेम्पलेट बनाया हुआ है। आप ये पावर पॉइंट पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। ये हमने नया ब्लैंक स्लाइड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे शेप, और शेप में एक रेक्टेंगल शेप लेंगे पूरा, और इसको पूरा फुल सेट करेंगे अपने पूरे स्लाइड पे। ये स्लाइड पे सेट हो गया। अब हम दोबारा जाएंगे शेप पे, और यह हम ये वाला शेप लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग शेप आकार दे देंगे, और उसकी कॉपी करके कई सारे पेस्ट बना देंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कई तरीके से डिजाइन जैसे हम चाहते हैं अपना इसको लुक दे सकते हैं। देखो, मैं इसको छोटा कर लूंगा, और इसको चाहूंगा और इसको ऐसा रखूं, ऐसा रख लूंगा, ठीक है। ये मैं इसको काम करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, और इसको बनाते हैं हम। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जैसा हम देना चाहते हैं हम वैसा सेट कर सकते हैं। देखो, मैं इसको काम करता हूँ, ये हमने ऐसा शेप दे देते हैं। एक काम करते हैं, इसको ज़्यादा हो गया, ये हम डिलीट कर देते हैं वन बाय वन, और इसको एक पतला सा शेप दे देते हैं। ये थोड़ा उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं अलग करके दिखलाऊंगा और अलग से आपको पता चलेगा कि हम कैसे बना सकते हैं। वो कॉपी करके दिखलाऊंगा तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हो। हम एकदम अपने मर्जी से जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद हम यहाँ जाएंगे मर्ज शेप में, वहाँ पे जाके यहाँ आएगा सब ट्रैक पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि वो ब्लैंक हो जाएगा जो जो हमने सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। अब हमने जो पिक्चर इंसर्ट किया था वो ये वाला पिक्चर था। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको इस पे राइट क्लिक करना होगा और इसको होगा सेंड टू बैक, ये बैक में चले जाए। अब ये आ गया आपके ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा फॉर्मेट सेव। फॉर्मेट सेव में जाएंगे और हमें क्या करना है, यहाँ ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो मैं इसको सेलेक्ट क्लिक करूँगा ये वाले को, और यहाँ क्लिक करके आई ड्रॉप लूँगा, और इसके अकॉर्डिंग में कोई सा भी ये ऊपर वाला भाग ले लिया। बीच में आता हूँ, फिर आई ड्रॉप लूँगा, फिर मैं ये थोड़ा हल्का वाइट वाला लेता हूँ, फिर मैं आऊँगा ये बीच में, फिर यहाँ आई ड्रॉप लूँगा, फिर मैं थोड़ा ये नहीं ये वाला नहीं लेता हूँ, ये ज़्यादा रेड हो जाएगा, रेड में ये वाला लेता हूँ, ये थोड़ा हल्का सा रेड है, और यहाँ मैं आई ड्रॉप लेता हूँ, और ये थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने ये अट्रैक्टिव स्लाइड बना दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के लिए हम यहाँ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जैसे मैं ओ एन
एस लिखता हूँ, ओ एन एस अपने चैनल का नाम, ऑनलाइन नेटवर्क सॉल्यूशन, इसको मैं साइज में बड़ा कर देता हूँ। इसकी साइज मैंने ये बड़ा कर दी 66, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ले करके बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। हमने यहाँ फॉन्ट चेंज कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा फॉर्मेट सेव। फॉर्मेट सेव में जाएंगे, यहाँ आएगा टेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट पे जाना है और यहाँ पे हमें अपने अकॉर्डिंग फिर दोबारा से हम जैसा चाहते हैं वैसा सिलेक्ट करके यहाँ ले सकते हैं कि हम इसको कैसा व्यू दे दे। तो हम जैसा व्यू देना चाहते हैं हम वैसा व्यू दे के यहाँ पे इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाते हैं, फिर कुछ टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ टेक्स्ट, ठीक है। यह टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ हम टाइप करेंगे पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है, और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया हमने और हम क्या करते हैं इसको बड़ा कर देते हैं और एक काम करते हैं, हम इसके नीचे अपना चैनल का नाम लिख देते हैं। आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो जिससे को वो लुक वाइज अच्छा लगे, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पे गए, टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ ग्रेडियंट पे गए और ओके करके देखा तो ये ग्रेडियंट वैसे ही हो गया। फिर यहाँ हम थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं और एरियल कर देते हैं जिससे कि ये आप देखोगे हो गया। और फिर हम इसको क्या करते हैं बीच में लेके आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये बीच वाला सिलेक्ट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया, हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने एक अट्रैक्टिव टेम्पलेट बना दिया। तो आप इस तरीके से कोई से भी इमेज यूज करके, किसी भी तरीके से एडिटिंग करके, किसी भी तरीके से आप उसका टेम्पलेट बना सकते हो और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट में यूज कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद।